Ganesh Acharya ji to bring him here for a composition. It's all happened in lockdown 2019. He called, "Shiva, I have some idea. Will you please do music for my picture?" I said yes. So, and I have to thank my wife, Runa Rizvi Sivamani. She was there for me every time when I'm touching harmonium. And thank you very much, entire team, bringing us. Govindaji, it's a great honor to see you. Thank you. So please enjoy the music. Thank you so much, Shivamani, for giving such amazing music to the movie. Thank you. So ladies and gentlemen, as I mentioned before, that this day is about dance. Or agar hum Dehati Disco ke trailer launch par aaye hai aur bahut bada matlab bahut bada dance film mein apna career banane ke liye main bhag raha tha aur mujhe career mein yahan tak pahunchane wale mere bhagwan mere samne hain Govinda ji. इनका अगर एक कॉल मैं उस मेरे में चाल में रह रहा था, सार्वजनिक फोन बाजू में था, अगर वो एक कॉल नहीं आता तो शायद यहाँ गणेश आचार्य नहीं होता. वो कॉल गोविंदा जी का था मेरे लिए. बहुत बड़ा दिन डांसिंग के लिए, मतलब इससे बड़ा डांस का दिन नहीं हो सकता. थैंक यू भैया, आप हमेशा मेरे साथ रहते. आज मेरी फिल्म का ट्रेलर लॉन्च है देहाती डिस्को, उसके लिए आप आए यहाँ पे, बहुत 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 शुक्रिया. फिर मेरे दोस्त अहमद खान, जिसको मैं अहमी बोलता हूँ, मैं बहुत प्यार है. आज उसकी फिल्म रिलीज हुई है हीरो बनती. बहुत मुश्किल से टाइम निकाल के मैं ले आया है. थैंक यू अहमी, लव यू अहमी. टेरेंस, थैंक यू टैलेंट्स. शक्ति, थैंक यू वेरी मच. हम लोग पूरी टीम, शिवा मेरे साथ, हम लोगों ने लॉकडाउन में काम स्टार्ट किया था, जब सब जन अपने घर पे थे, हम दोनों काम पे थे. तीन तीन चार चार बजे हम लोगों ने बैठ के म्यूजिक बनाया. मेरे डायरेक्टर मनोज शर्मा यहाँ पे, और मेरे प्रोड्यूसर कमल किशोर मिश्रा, अब्बास भाई, फिर इस फिल्म में जुड़े कुरेशी प्रोडक्शन के वसीम भाई, जीतेश भाई, और सब पूरी टीम यहाँ पे. तो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू. और मैं चाहता हूँ ज़्यादा टाइम ले लूँ, हमारा फंक्शन आगे चले हम लोग. तो इसी के साथ मैं रिक्वेस्ट करती हूँ जो देहाती डिस्को को सपोर्ट करने के लिए कुछ एस कोरियोग्राफर्स यहाँ पे मौजूद है, उनको मंच बुलाया जाए. कि प्लीज रिक्वेस्ट अहमद सर टू प्लीज जॉइन अस ऑन द स्टेज. टेरेंस सर, कैन यू प्लीज हैव यू ऑन द स्टेज. शक्ति, कैन यू प्लीज हैव यू ऑन द स्टेज विद अस. कैन यू ऑल मेक सम नॉइस फॉर देम प्लीज. बहुत बहुत धन्यवाद. आप देहाती डिस्को को सपोर्ट करने के लिए आए हैं, गणेश जी को सपोर्ट करने के लिए आए हैं आज के दिन. और इंटरनेशनल डांस दिवस है, इस दिन पर अगर ऐसे डांस के दिग्गजों से मुलाकात हो सके तो इससे बेहतर बात क्या हो सकती है. वेलकम शक्ति. शक्ति, आई विल रिक्वेस्ट यू टू से अ फ्यू वर्ड्स अबाउट देहाती डिस्को, अबाउट इंटरनेशनल डांस डे, और इस खूबसूरत, ये पहले तो गणेश जी, ये किसी ट्रेलर का लॉन्च नहीं लग रहा है, ऐसा लग रहा है किसी 500 करोड़ बजट की मूवी का सेट लग रहा है ये. हेलो सर, हाउ आर यू? शक्ति, आई विल रिक्वेस्ट यू. मैं पहले चाहूंगी कि इतने बड़े बड़े कोरियोग्राफर्स यहाँ पर हैं, अहमद सर पहले आप बोलें प्लीज. सो स्वीट, थैंक यू गाइस. पहली बात तो ये वर्ड बहुत ही एसोसिएट करता है हमें, क्योंकि डिस्को सुना था, देहाती डिस्को पहली बार मैंने सुना हूँ. तो आज से 29th of April डांस डे पे आई कैन से एक डांस वर्ड इजाद हुआ है थैंक्स टू गणेश. इट्स कॉल्ड देहाती डिस्को. सो ये याद रखना हिंदुस्तानियों अब से. एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट. वेरी गुड द वे यू प्ले योर म्यूजिक. आई मीन आई बीन अ फैन ऑफ योर म्यूजिक ऑल द टाइम सर. एंड
आई नो गणेश ने इस पर काफ़ी मेहनत की है, 2019 में भी हमारी बात हुई थी इस फिल्म को लेके, एंड ही हैड इनमें ये था कि जुनून था, बोले मैं सबके मुखालिफ जाऊँगा भले कोई कुछ भी बोले, बट मैं ये फिल्म ज़रूर बनाऊँगा क्योंकि इसमें मैं डांस के सब फॉर्म एक आँख को पूरी तरह दिखाना चाहता हूँ, और हमने यहाँ देख लिया whether it was contemporary western whatever and there you had some dehati stuff happening, the mixture was beautiful. Ganesh, I just wish and pray all the best to you, and may God bless you always, yeah brother. Firstly sabko international dance day ki mubarak hai, thank you. Hum hai isliye ke liye ki aap हमें इतना प्यार देते हैं, अपना सपोर्ट करते हैं, टू ऑल द डांसर्स, टू द डांसिंग कम्युनिटी, हमारी जो कॉम है, जो लोग हमें बहुत प्यार देते हैं, जो आम जनता है, जिनको मैं आम नहीं कहूँगा, बहुत ही अजीज हैं वो दिल के, वो हमें इतना मान देते हैं, एंड व्हाट अ बेटर वे देन टू स्टार्ट इंटरनेशनल डांस डे विद द रिलीज और लॉन्च ऑफ दिस ट्रेलर एंड दिस ब्यूटिफुल फिल्म. गणेश मास्टर जी एक ऐसे इज एन इंस्टीट्यूशन, ही इज नॉट अ पर्सन, ही इज एन इंस्टीट्यूशन. इतनी सारी फिल्में करी हैं, वो ओल्ड स्कूल कोरियोग्राफी जो आज भी मुझे लगता है कि वी शुड होल्ड ऑन टू, ही इज द लास्ट लिविंग लेजेंड इन दैट सेंस, बिकॉज आजकल के बहुत सारे नए पीढ़ी के कोरियोग्राफर्स हैं हम जैसे, बट जो टेक्निक्स वो यूज करते हैं, जो सेंसिबिलिटीज इनकी हैं, वो कमाल की है. एंड इज द लास्ट सरोज जी अनफॉर्चुनेटली इज नॉट विथ अस, बट शी इज ऑल्सो वन ऑफ द पर्सन आई रिस्पेक्ट मोस्ट इन दैट जोन. And then there is, you know, Ganesh Master Ji, who has done incredible body of work. We are inspired, sir, by what you do. Or most importantly, ये कहना चाहूँगा कि बहुत सारे choreographers हैं और बहुत कुछ हम करना चाहते हैं और सोचते रहते हैं, लेकिन Ganesh Master Ji कर देते हैं. That's the best part of it. That's the best part of it. You know, ये करना, ये film, you know, अपनी मेहनत पर, you know, खड़ा करना. With just him and you know the most amazing talent, this young boy that you see, you're amazing, son. And also you, I've worked with you before. It's so amazing for our dance community to see films on dance being made. But बहुत कम films बनती हैं. So thank you, sir, for doing what you do, and wish you all the very best. Sir, मैं क्या बोलूँ? मतलब this is the luckiest day of my life. मैं इतने सारे legends के साथ आज यहाँ पर खड़ी हूँ. जब मैंने डांस स्टार्ट किया था, मैंने कभी ऐसा सोचा नहीं था ये दिन आएगा कि गणेश सर मुझे बोलेंगे कि यू नो वर्ल्ड डांस डे हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, प्लीज़ कम फॉर दिस इवेंट. आई एम वेरी वेरी लकी, बहुत ज़्यादा अपने आप को फॉर्चुनेट समझती हूँ कि वहाँ गोविंदा सर बैठे हैं, यहाँ टेरेंस सर मेरे गुरु हैं, अहमद सर जिनको मैं बचपन से देखते आ रही हूँ मिस्टर इंडिया में, एंड नाउ तो ही स्केलिंग इट, एंड गणेश सर आपके बारे में मतलब जितना बोलो उतना कम है. आपकी हर एक कोरियोग्राफी ऐसी होती है जो हम लोग जितने भी हम स्टूडेंट्स हैं सब लोग आपको देखते हैं और हम मतलब समझ नहीं आता कहाँ से आप क्रिएट करते हैं. इतना यूनिक, इतना अमेजिंग होता है सब कुछ. सर सो इंस्पायर्ड कि आप एक फिल्म बना रहे हैं डांस से रिलेटेड, वो भी देहाती डिस्को, और बहुत ज़रूरी है आज हमें अपने कल्चर को आगे ले जाना, और वो आप कर रहे हैं. सो थैंक यू सो मच सर, इट्स सच एन ऑनर एंड प्रिविलेज फॉर मी टू बी सेलिब्रेटिंग वर्ल्ड डांस डे विद सच लेजेंड्स. आई एम ब्लेस्ड, एंड थैंक यू एवरी वन फॉर कमिंग, for giving us so much support. Thank you. Thank you so much. और अब वक्त आ चला है कि हम उस शख्सियत को यहाँ पे मंच बुलाए who is a synonym for dance. Can we all put our hands together for one and only Govinda Kachi Ji. गोविंदा जी, सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद, आप अपना कीमती वक्त निकाल कर आज के दिन हमारे साथ देहाती डिस्को के ट्रेलर लॉन्च पर मौजूद है, और पूरी ऑडियंस इंतजार कर रही है आपकी आवाज सुनने के लिए. ओम विश्वानि देव सवित दुरितानि पराशर यद्धत्रम तन्नास्वा.
त्र्यंबकम् यजामहे सुगंधिम् पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमे बंधनान् मृत्युर्मोक्षयामामृतात्। कालहर दुःखहर दारिद्रहर कष्टहर रोगहर हर हर महादेव। बहुत बहुत धन्यवाद। आप यहाँ आ जाइए, यहाँ आ जाइए। मैं शायद वो कृपा है मुझ पे, मेरी माताजी आदरणीय निर्मला देवी जी के पुण्य है कि जो जिंदगी में चाहा वो ऊपर वाले ने अता किया। मैं जिस वक्त फिल्म लाइन में आया कभी सोचा नहीं था कि मैं स्टार हो जाऊंगा, पर मेरी ये कल्पना थी, मैं हुआ। फिर ऐसे में जिस वक्त सब टॉप स्टार थे उसमें मैं कहां और कैसे, पर कल्पना थी, जिद थी, हुआ। जो क्रिया करे और कल्पना ऐसी हो कि उसमें सदैव कल्याण रहे वो कामयाब हो जाया करती हैं। वो कल्पना कामयाब हुई और उस कामयाबी के बहुत से लोग फिल्म लाइन में मेरे हिस्सेदार हुए। उसमें से एक आपके आदरणीय गणेश आचार्य है और ऐसे बहुत। और ये राज है, आज मैं आप लोगों के मंच से जहां जहां जो जो डांस नृत्य इससे जुड़े हुए हैं मैं उन सभी तक ही आवाज पहुंचाना चाहूंगा। दक्षिण मुझे बहुत प्रिय है। जो क्रिया जो कल्पना वर्षानुवर्ष से हम देखते आ रहे हैं दक्षिण किया करता है, वो कल्पना शायद ही दूसरे लोग उस मकाम पे पहुंचने की ताकत रखा करते हैं। ये 27 मई जिस वक्त ये फिल्म रिलीज हो रही है, मुझे सही अच्छे से ख्याल है पूरे 17 साल हो गए मैं पॉलिटिक्स से निकल आया। और ये 17 साल जिस वक्त मैं फिल्मों में ज्यादा दिखाई नहीं दिया, वो हर कामयाब आर्टिस्ट जो साथ जुड़ा वही छाया रहा। आप लोगों की कामयाबी में मैंने मेरी बहुत सी कामयाबियां देखी हैं। आप लोगों की कल्पनाओं में मुझे सच्चाई अच्छाई आज कहीं दिखाई देती है तो उसमें गणेश आचार्य की कल्पना हुआ करती है। जड़ से जुड़े रहे, जो हिलते नहीं है। आपके लिए आज की तारीख में जिस मुकाम पे आप हैं, आपको ऐसी कुछ भी जरूरत नहीं है कि आप ऐसे कहें कि ये सामने मेरे भगवान बैठे हैं, परंतु ये आप पे जो आपका जो भाव है ये दक्षिण का भाव है। वहां एक गिलास पानी भी पिला दे किसी के, लोग भूलते नहीं है। खाना खिला दे, लोग भूलते नहीं है। प्रेम कर ले, पैसे दे दे, दुख में साथ खड़े हो जाए, भूलते नहीं है। ये न दिखाई देता हुआ डांस है। जो दिखाई देता हुआ डांस है वो बड़ा डांस नहीं है। डांस 9 प्रकार के हुआ करते हैं, जो आपकी पीढ़ी दर पीढ़ी से चल रहा है आपके जीवन में। वो क्यों है, क्या है, कैसे है, वो जब तक आपके समझ में ही नहीं आएगा सही कदम नहीं उठेगा, नहीं उठेगा तो डांस भी नहीं होगा। बिना बोले जो बात करता है वही अच्छा, मुझे ऐसा लगता है कि कलाकार है जो बिना बोले बात करता है।
और बिना बोले क्रिया करे ही जाता है, वो क्रिया कभी खत्म ही नहीं होती। डांस का आज का ये जो माहौल है, जो 2022 में शिव जी की कृपा से, ऊपर वाले ने जो कर्म किया है उसकी कृपा के वजह से निकल जाएगा, इसका बहुत श्रेय आदरणीय गणेश आचार्य की तरफ जाएगा और उनकी सोच की तरफ जाएगा। मैं धन्यवाद देता हूं कि किसी ने तो यहां इस तरफ नजर तो की। बहुत महत्वपूर्ण है आपकी किया हुआ क्रियाओं से किसी के अटका दें बड़ा नहीं है, बाहर निकाल दें कमाल के आर्टिस्ट हैं आप। इसीलिए उसका नाम आर्ट एंड कल्चर रखा हुआ है। आर्ट एंड कल्चर जहां जहां हुआ करेगा वो सदैव कामयाब रहा करेंगे, वर्षानुवर्ष रहेंगे। मैं आज के इस मंच से उन सभी डांस परफॉर्मेंस जहां जहां वो लोगों से कहा हुआ कि ऐसा कुछ भी नहीं है, क्या आप लोग परफॉर्मर हैं या डांसर हैं या ऐसा कुछ भी नहीं है, सही टाइम पे सही जगह सही वक्त पे बिना बोले बात करो। ना वास्तु दोष, ना शब्द दोष, ना किसी का क्रिया दोष, ऐसा नाद चाहिए जिसमें ब्रह्म हो, और ऐसी क्रिया चाहिए जिसकी कल्पना बहुत ही कमाल की हो जैसी आपकी है। मैं क्षमा प्रार्थना करता हूं कि आप तिहाई की तरफ मेरी तरफ आए, मैं तिहाई कभी मारता नहीं, मैं कभी तिहाई नहीं मारता, मैं क्षमा प्रार्थना करता हूं। परंतु जो आप क्रिया कर रहे हैं, जो काम आप करते हैं, और इस मंच के माध्यम से यहां पे जो शुरू होगा ये नया सिस्टम, मैं उम्मीद करता हूं जैसे दक्षिण के लोग काम कर रहे हैं वैसे यहां से ये काम शुरू हो जाए, और जैसे दक्षिण के लोग कामयाब हो रहे हैं वैसे आप लोग समझें और कामयाब हो जाएं। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप लोग सदैव प्रेरणा ऐसे लोगों से लिया करें जैसे कि गणेश आचार्य हैं, जैसे कि शिवानंद जी हैं, जैसे कि टेरेंस हैं, ये सब गुड हार्टेड लोग हैं। आप लोग, आप ही लोगों से प्रेरणा लें। पॉलिटिक्स से मैं निकला हूं, उसके बाद वर्षानुवर्ष बाद आज ऐसी स्पीच दी है मैंने, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थना करता हूं। मैं आजकल स्पीच नहीं देता हूं, मेरा दिल भी नहीं होता है, मैं जो कह दिया करता हूं कर देता हूं। गणेश आचार्य फिल्म लाइन की हिस्ट्री जहां जहां जैसे जैसे आगे चलने वाली है उसमें गणेश आचार्य का नाम चलने वाला है, हिट है। आप लोगों को गलतफहमी होगी कि जो फिल्में चलती है वही चलती है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्रिया जो उसमें समाहित है, कल्पना जो उसमें समाहित है, वही कामयाब है। लव यू ऑल, थैंक यू सो मच, मे गॉड ब्लेस एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल। और डांस का धन्यवाद है कि आज हम लोग सब इस मंच पे यहां पे साथ में हैं। मैं जहां जहां जो जो डांसर्स जो गरीब तबके के हैं, जो बहुत तकलीफ से नीचे से ऊपर आ रहे हैं, मैं उन सभी से कहूंगा आप सब में कहीं एक गोविंदा है, और हर वो आदमी जो उसकी कला में ये समाधान देख ले, ये प्रयोजन कर दे कि उससे उसका घर परिवार मित्रगण जो जो है जहां जहां वो सब कामयाब हो जाए, वो सब हीरो नंबर वन है, वो जगह पे जहां जहां वो इस वक्त है। कभी ये ना सोचे, कभी ये ना सोचे कि वो हीरो नंबर वन से कम है या किसी से कम है। आप सब आपकी जगह पे हीरो नंबर वन है, जिसका दिल अच्छा है कल्पना अच्छी है। लव यू ऑल, थैंक यू सो मच, प्रणाम। मुंह से शब्द ऐसे निकल गए हो अन्यथा लगे, क्षमा प्रार्थना करता हूं, और आपकी क्रिया में कहीं त्रुटि रह गई हो क्षमा प्रार्थना करता हूं।
थैंक यू सो मच. मे गॉड ब्लेस यू. हर हर महादेव. धन्यवाद. बहुत बहुत धन्यवाद सर. दोज आर रियली मोटिवेशनल वर्ड्स. और अब इससे पहले कि हम देहाती डिस्को के बारे में कुछ भी बातचीत करें, सबसे पहले वो वीडियो देखते हैं, वो ट्रेलर देखते हैं जिसको देखने के लिए हम सभी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं और हम सभी यहाँ पे मौजूद हैं. सो आर वी रेडी टू वॉच द ट्रेलर ऑफ देहाती डिस्को? मेक सम नॉइस प्लीज. मैं करूंगा इसको अब पीएनए लगा के मैं फुल. आप देखिए जो इतना बड़ा हंगामा आया हुआ है इनके तरफ से हुआ है. पैनोरमा स्टूडियो रिलीज कर रही है, डिस्ट्रीब्यूशन कर रही है. तो थैंक यू वेरी मच. थैंक यू थैंक यू थैंक यू पूरे कास्ट पूरी टीम. हाँ अच्छा वो तो बुला लूंगा मैं. हाँ ठीक है. और थैंक यू वेरी मच. तो हमारे साथ पूरी ही स्टार कास्ट मौजूद है. गणेश जी, रवि किशन जी को जो किसी कारणवश यहाँ पे नहीं आ सके, राजेश शर्मा जी, मनोज जोशी जी, मास्टर सक्षम जिसका बहुत ही बेहतरीन डांस आपने देखा है, और वी आर इंट्रोड्यूसिंग साहिल खान इन द मूवी, एंड द सपोर्टिंग कास्ट मिस्टर पंकज बेदी जी, यास्मिन खान मिश्रा जी, राकेश श्रीवास्तव जी, मिथिलेश चतुर्वेदी जी, सुनील पाल जी, हरवीर यादव जी, राम मेहर, हेमंत भारती, मास्टर आर्यमन, फाइट मास्टर अब्बास भाई, एडिटर मनोज मागर जी, एंड आ रोड मास्टर ज्ञान जी. तो एक बार जोरदार तालियां सभी कास्ट मेंबर्स और सपोर्टिंग कास्ट के लिए. और मास्टर सक्षम, आपने बहुत ही बेहतरीन डांस किया मूवी में. आप बहुत ही क्यूट लग रहे हैं. कुछ कहना चाहेंगे गणेश जी के साथ? डर लग रहा था मूवी करते हुए? डर तो नहीं लग रहा था, मज़ा आ रहा था. और मुझे बहुत मज़ा आया सर के साथ मूवी करके. मुझे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा और मुझे बहुत मज़ा आया. सर मेरे इंस्पिरेशन है. जब भी मैं इनको देखता था ना तो मुझे मतलब बहुत अच्छा लगा था मुझे देख के. तो मैंने इनके सबसे पहले यूट्यूब पे सर्च किया, फिर उसके बाद मैंने इनके डांस स्टाइल कॉपी करने लगा, फिर मज़ा आया बहुत. थैंक यू. बोलना चाहता हूँ इस फिल्म के को प्रोड्यूसर्स भी है, V2S है, मेरी वाइफ विधि, फिर पुष्पा कृष्ण मेरा क्रिएशन बैन प्राची मूवी है, फिर उसके बाद और कौन है बस रोड स्टार्स के पार्टनर हमारे साथ ज्ञान जी. आप भी आ जाइए प्लीज सर. थैंक यू वेरी मच. और स्टार्ट नाउ. आइए ज्ञान जी. आई वॉन्ट टू थैंक एवरीवन एंड sound.com who was just created my complete sound, my favorite sound, and my boys Mani and Ganesh Kanagaraj to help to set up everything yesterday, and the entire team. Thank you very much, our team. Ganesh ji, thank you. Director, thank you. Thank you very much. Thank you so much. Ganesh Master ji ke saath mera pehle se hi saath raha hai. और ये सब्जेक्ट पे जब हमने काम किया, मास्टर जी ऑलरेडी एक्ट कर चुके हैं और इसमें इन्होंने बहुत हार्ड वर्क किया है. मैं एज एन एक्टर मास्टर जी के लिए यही कहना चाहूँगा कि बहुत आसानी से उनको डायरेक्ट करना बड़ा आसान है, क्योंकि वो खुद एक टेक्निकली पर्सन है, हर चीज़ बड़ी आसानी से समझते थे. और मेरी कोशिश है कि मास्टर जी की जो पहली फिल्में आई हैं उनसे बहुत अच्छी परफॉर्म इस बार आप देखेंगे. थैंक. तो मनोज जी, बहुत कुछ एक्सपेक्टेशंस है हम सभी की इस मूवी से. बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है हम ये मूवी देखने के लिए. और कभी कुछ ऐसा होता था क्या कि गणेश जी एक डायरेक्टर की उससे पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बता देते कि ये शॉट ऐसे लेना चाहिए और वैसे लेना चाहिए? मास्टर जी खुद इतने स्ट्रांग टेक्नीशियन हैं, इतने टॉप कोरियोग्राफर हैं, तो मुझे इनके टॉप एंगल जो इनके होते हैं मैंने उनका बिल्कुल साथ लिया. एक बड़े भाई की तरह मेरे साथ फिल्म में रहे और मुझे खुशी होती थी ना. मास्टर जी कभी कभी बोलते थे मनोज ये लेगा तो मज़ा आएगा तेरे को. मैंने की मज़ा लेते ना मास्टर जी, तो ऐसे मैंने पूरी फिल्म में बहुत बार लिया मास्टर जी के साथ. अब मैं हमारे प्रोड्यूसर से कुरैशी प्रोडक्शन से आए हुए हमारे साथ आयुब कुरैशी जी और महफीज कुरैशी जी, आपसे पूछना चाहूँगी कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस इस मूवी के साथ? मास्टर जी के साथ बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा.
yeah, center of the stage. मास्टर जी के साथ बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, बहुत ही प्यारी मूवी है, उनका एक्टिंग, उनकी कोरियोग्राफी, और आप सब जानते हैं कि वो हमारी कंट्री के लेजेंडरी कोरियोग्राफर है, तो आप सभी 27 मई को मूवी ज़रूर देखिएगा, इनके साथ काम करके बहुत अच्छा एक्सपीरियंस लगा है। मैं आऊँगा। सो आई वांट टू से His vibe is different, you know, like whenever I meet him, he's like, bro, your outfit is looking so cool. So every youngster can understand his vibe. He's like different. He doesn't talk like an old man or something. He's like, bro, yo, chill. And he doesn't take any stress. He's like, yeah, nothing will happen, bro, chill. Thank you, Kamal. कमल जी आप देखिए इनके साइज समझ जाइए, ये कुरैशी प्रोडक्शन के आगे संभालने वाले यही है। कमल जी आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कुछ मूवी के बारे में कुछ कहिए। हमारा सब कुछ मास्टर जी बोलेंगे। ये हमें जा छिड़ा करण आजा स्टेज पे। करण हमारे कुरैशी प्रोडक्शन के सीईओ है और बहुत ही उनका नाम है। थैंक यू वेरी मच। मैं चाहता हूँ मेरे जितने सपोर्टिंग आर्टिस्ट हैं वो प्लीज ऊपर आए। अखिलेश जी आप लोग नृत्य हो, नृत्य नृत्य होता है तो इसको सही कहा आपने, इसकी कोई भाषा नहीं है, कला की कोई भाषा नहीं है, सिर्फ इसमें एक छोटी सी चीज हमारे कल्चर के लिए मैंने दर्शाई है। ओके, हमारे कल्चर में कितने ऐसे फॉर्म डांस है, लावनी है, गरबा है, पंजाबी है, जो प्रेजेंट नहीं होते हैं, और हम इसमें ये मैसेज जाना चाहता है कि हम ये नहीं कहते कि जो आप सीख के आए वो अच्छा नहीं है, बहुत अच्छा है, हम उसको झुक के नमन करते हैं। हाँ। लेकिन मेरी हिंदुस्तानी कला बहुत अच्छी है, मैं उस पर गर्व करता हूँ। तो इस फिल्म में ऐसा एक पार्ट है कि कोई साहिल है, उनकी डैडी बोलते कि ये हम ये किया वो किया, तो उसके द्वारा ये जो हम डांस को पेश कर रहे हैं, तो इसमें वो भाषा नहीं है, लेकिन डेफिनेटली गणेश आचार्य जो बॉलीवुड स्टाइल करता है वो पूरा इसके अंदर है। गणेश जी थैंक यू। गणेश जी कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर द ट्रेलर एंड योर एक्टिंग। थैंक यू। नाउ यू आर गोइंग टू बैलेंस बिटवीन एक्टिंग एंड कोरियोग्राफी। हाँ जी, तो उसके बारे में कुछ बताइए। देखिए कोरियोग्राफर तो मैं अभी भी हूँ, मेरी हर वीक एक फिल्म रिलीज होती है। लास्ट टाइम भी देखिए बच्चन पांडे या उसके पहले भी देखिए पुष्पा मैंने की थी, पुष्पा फिल्म मैंने की, कोरियोग्राफी तो कर रहा हूँ। लेकिन ये इस फिल्म में मैं एज ए फुल फ्लैश हीरो आई नहीं हूँ, मैं एक फादर का रोल कर रहा हूँ, जो मेरा बेटा प्ले कर रहा है सक्षम, उसके ख्वाब है कि वो डांस में कुछ करे और मैं उसको सपोर्ट कर रहा हूँ, तो मुझे ऐसा लगा कि मैं इसको बेहतरीन थोड़ा कर सकता हूँ, तो मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं इसको थोड़ा सा हटके कुछ करूँ। और मैंने इससे पहले रेमो की ABCD की थी, उसमें एक छोटा सा रोल किया था मैंने, और ये डांसिंग फिल्म में ऐसा लगा कि मुझे करना चाहिए, बच्चे को सपोर्ट करना, इसलिए मैंने किया। एंड मिस्टर मनी टेल अस अबाउट द म्यूजिक, व्हाट अदर सॉन्ग्स यू आर गोइंग टू हैव इन द फिल्म। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू गणेश जी टू ब्रिंगिंग मी इन दिस देहाती डिस्को। डिड अगोरा एज अ सॉन्ग एंड तक तक दुम दुम, इट्स माय फेवरेट, and Arati, lots of music we did, and please enjoy, and thank you entire team. Thank you. We'll take one last question. Sir, here on your left hand. Vinita here. Sir, first of all congratulations for the trailer, it's look awesome. Thank you. And I want to ask, like Govinda sir mentioned in his appreciation that this is the system you have started, so what's more we can explore in this ground rooted drama of dance, what's next in your pipeline, what's your amazing agar ye डांसर्स और ऑडियंस को पसंद आई तो डेफिनेटली देहाती डिस्को 2 होगी। उसमें भी देहाती होगा क्योंकि गणेश आचार्य मीन्स देहाती। मैं ज़मीन से जुड़ा हूँ, मैंने जैसे कहा कि मैं बहुत ही ग्राउंडेड रहता हूँ, इंडियन डांस को मैं प्रोत्साहन करता हूँ, मैं इंडियन डांस को प्रेजेंट करता हूँ और कई सालों से करते आ रहा हूँ। आज मुझे
32 years हो गए मैं मेरे स्टाइल को फॉलो करता हूँ जिसमें पूरा हिंदू कल्चर होता है. एक टिपिकल बॉलीवुड को मैं फॉलो करता हूँ जिसमें क्लासिकल भी होता है, फोक भी होता है, हर कल्चर होता है. मैं वेस्टर्न डांस भी करता हूँ, वो भी करता हूँ, हर चीज़ करता हूँ. लेकिन मेरा कहना एक ही मतलब है, डांस जो दिल से आए, जो अपना आए वो होता है. डांस वो नहीं होता है कि हम किसी बाहर कल्चर से उसको फॉलो करें. थैंक यू. थैंक यू सर. यस, वन लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम द मीडिया. हाय सर. हियर हियर ऑन द सेम साइड. हाय. या हाय गणेश सर. हाय एवरीवन. फर्स्ट ऑफ ऑल द ट्रेलर ऑफ द मूवी वाज अमेजिंग. सो आई हैव अ क्वेश्चन फॉर सक्षम. मुझे पूछना है, आप सुपर डांसर के फाइनलिस्ट थे चैप्टर 3 और आपका फर्स्ट मूवी जिसमें आप गणेश जी के बेटे हैं, आपको हाउ एक्साइटेड आर यू फॉर द मूवी? मैं बहुत एक्साइटेड था. मुझे जब मेरा सिलेक्शन हुआ था, मेरे को मम्मी ने बताया तो मैं बहुत खुश हुआ. मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि अब मैं फिल्म में दिखूंगा, मतलब थिएटर में दिखूंगा, मुझे सब लोग देखेंगे, तो मैं बहुत एक्साइटेड था. ऑल्सो क्या आप, डू यू वांट टू बी अ हीरो इन द फ्यूचर? यस. ओह वाओ, दैट्स अमेजिंग. थैंक यू. थैंक यू. यू विल. आई थिंक ही इज ऑलरेडी अ हीरो. एक हाँ बोलिए. हेलो. या हमारा सवाल मनोज शर्मा जी से है, डायरेक्टर मनोज जी. हाँ जी. हाँ. या हमारा सवाल ये है कि स्टोरी जो है देहाती डिस्को की, वो पहले आपके दिमाग में आई थी या गणेश जी आपके टच में थे, उनको देख के ये स्टोरी याद आई? ये बेबी मास्टर जी का था कॉन्सेप्ट. हम दोनों ने, होते ना फादर मदर है हम इस सब्जेक्ट के, तो कॉन्सेप्ट मिलके हमने डेवलप किया. और मास्टर जी को ध्यान में, मतलब इंडियन डांस और मास्टर जी का जो एक सिग्नेचर है कि देसी डांस जो हम लोग सब फॉलो करते हैं, और एक सब्जेक्ट को हमने मेहनत की. डांसिंग तो डेफिनेटली मास्टर जी की फिल्म है तो वो डांस तो बनता ही है, वो भी इंडियन डांस. तो एक अच्छा सब्जेक्ट हम लोगों ने मेहनत की और इसमें इमोशन, और बाप बेटे का बहुत अच्छा इमोशन है इसमें. 3-4 जगह ऑडियंस को रोना आएगा और एक बहुत अच्छा ड्रामा हम लोग बनाने में कामयाब हुए. और मज़ा आया मास्टर जी के साथ, एक बड़े भाई की तरह मेरे साथ थे और आज भी हैं. हाँ जी. हाँ हाँ. कैमरे के सामने आना कितना इजी है बोल रहे आप. बचपन में तो एक्टर ही बनना चाहता था. बचपन में तो एक्टर ही बनना चाहता था. हालात ने जूनियर आर्टिस्ट बना दिया, ग्रुप डांसर बना दिया, फिर असिस्टेंट बना दिया, फिर कोरियोग्राफर बना दिया. जिस मोड पे भगवान ने चाहा उस मोड पे चले गए. लेकिन जो बनना चाहता था बचपन, भगवान ने फिर वही बना दिया. तो इंसान को अपनी इच्छाएं जिंदा रखनी चाहिए और जो अपने दिल में है वो करना चाहिए. वक्त आता है, कुछ रास्ते ऐसे होते हैं जिसपे आप मुड़ जाते हैं, लेकिन आप अंदर जो इच्छा है उस रास्ते पर आप अपने आप आ जाते हैं. मास्टर जी, आप और गोविंदा जी का ट्यूनिंग इतना अच्छा है, इसका राज क्या है? वही तो ऊपर वालों को पता है. कुछ कुछ होता है, कुछ कुछ कनेक्शन होता है. लोग मुझे कहते हैं कि गोविंदा जी को आपने स्टाइल दिया, बनाया है, लेकिन मैं ये कहता हूँ गोविंदा जी ने मुझे बनाया. कई स्टाइल है उनके साथ. मैं जब स्ट्रगल करता था तब मेरी बहन ने कहा कि गणेश तेरा स्टाइल गोविंदा से बहुत मिलता है, मिल उनके पास जा, स्ट्रगल कर. और मैं जब उनको मिला तो वाकई वो चीज़ सामने आई. और फिर हम लोगों ने कहीं ऐसे गाने किए जो आज लेजेंडरी में, आज भी मुझे कई बड़े बड़े प्रोड्यूसर डायरेक्टर ये कहते कि ये गाना देखो, जो गाना हम लोगों ने 4 घंटे में किया शूट, एक दिन में शूट किया, वो गाना दिखाते किसी डिस्को में जाए, व्हाट इज़ योर मोबाइल नंबर, बाद में बहुत सारे गाने. तो मुझे आज भी खुशी है कि मुझे और गोविंदा जी को पब्लिक ने अपने अंदर रखा है, दिल में रखा है, जिंदा रखा, प्यार करते हैं. और आज कई चीज़ ऐसे डिजिटल पे हम लोग के गाने आते हैं तो बहुत खुशी होती है. मास्टर जी, आज काफ़ी डांस कोरियोग्राफर डायरेक्टर बन रहे हैं, तो इसका क्या, आपका क्या व्यू पॉइंट है? मैं तो 2007 में डायरेक्टर बन गया था. स्वामी फिल्म की थी मैंने, मनोज बाजपेयी जी चावला की, लेकिन वो सॉन्गलेस थी, डांस की फिल्म नहीं थी. ये डांस की फिल्म है. मुझे हमेशा लोग कहते थे कि आप डांस की फिल्म क्यों नहीं करते, डांस की फिल्म क्यों नहीं करते. फिर मैंने कहा, मनोज मेरे पास आए कि बोले फिल्म करना है, मैंने बोला ये एक सब्जेक्ट है इसके ऊपर हम लोग काम करते हैं,
फिर कमल को बोर्ड पे लिया, फिर मैंने शिवा मणि को बोर्ड पे लिया, फिर ऐसे करते करते फिर अभी लास्ट कुरेशी प्रोडक्शन बोर्ड पे आए। बस इसे जर्नी स्टार्ट हुई देहाती डिस्को की, और 27 मई को रिलीज हो रही है। ये मेरे लिए सबसे बड़ी बात है कि आखिर में जो सपना में कई सालों से लेकर निकला था वो यहाँ पे आ रहा है। इसमें ना मैं हीरो हूँ ना कोई हीरो है, इसमें हीरो है डांस कला, डांस डांस बहुत बड़ा हीरो है इसमें। ओके थैंक यू सो मच फॉर द क्वेश्चंस। वी विल नाउ हैव अ